जल प्लेयर से बात करेंगे जी। आपका नाम? वीर प्रताप। वीर प्रताप। वीर प्रताप कहाँ से आए हैं वीर प्रताप आप? गुरदासपुर। थोड़ा लाउड बोलेंगे? गुरदासपुर। वीर प्रताप आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही कैंप में? थोड़ी सी अच्छी थी, सेकंड मैन अच्छी हुई, पहली मैन अच्छी हुई। अभी आपका एक मैच बचा हुआ है? यस। ओके ओके ओके। आपका नाम? दिव्यांशु अरोड़ा। दिव्यांशु कहाँ से हैं आप? अमृतसर से, पंजाब। अमृतसर से। तो दिव्यांशु एनसीएल में आके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा प्लेटफॉर्म है, मजा आ रहा है, सही है। बैट्समैन हो बॉलर हो? बैट्समैन। क्या स्कोर किया आपने दो मैच में? सेकंड मैच में स्कोर कर रहा था, रन आउट हो गया जल्दी। ओके ओके। आइए कुछ गार्जियन से बात करेंगे एनसीएल प्लेयर्स के। मॉम डैड यहाँ पर आए हुए हैं, सर प्लीज। तो देवेंद्र जी, आपको आपका लड़का किस टीम से खेल रहा है एनसीएल में? लेजेंड टीम से। अच्छा, तो गुरमीत जी आपको कैसा लग रहा है एनसीएल में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। आपको कैसा लग रहा है मैम? बहुत बढ़िया लग रहा है। एनसीएल की तरफ से कोई चूक हुई हो जो आपने नोट की हो? नहीं सर, बहुत अच्छा है। और आपका रहने और खाने की व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी हो? सब ठीक है, मैनेजमेंट से आप खुश हैं? तो आपके बच्चे ने क्या किया है? आप दो मैच खेले हैं, शायद लीग मैच खेले हैं, क्या परफॉर्मेंस रही बच्चे की? क्या? बच्चे की क्या परफॉर्मेंस रही है? अच्छी है, इस मैच में तो ठीक ठीक रही है। जी जी जी। तो कैसा लग रहा है आपको बच्चे को खेलते हुए देखते हुए? ग्राउंड पर बच्चा खेल रहा है, कैसा लग रहा है आपको आगे? बढ़िया लग रहा है। ठीक है जी, धन्यवाद। लवजीत सिंह, श्री गंगानगर। लवजीत जी आप कहाँ से आए हैं? श्री गंगानगर से जी। आपके लड़के यहाँ पर खेल रहे हैं या भाई खेल रहे हैं? भाई खेल रहे हैं। अच्छा, आपके छोटे भाई यहाँ पर खेल रहे हैं। तो लवजीत जी आपको कैसा लग रहा है एनसीएल में आकर? अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सब लोग। अपने भाई को यहाँ खेलते हुए देख कर कैसा लग रहा है आपको? सर बढ़िया लग रहा है, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऐसे मैचेस जैसे राजस्थान में भी हो और बहुत जगह पे हो, क्योंकि अभी तो सिर्फ जयपुर में हो रहे हैं लेकिन जो बाकी सिटीज हैं उनमें भी हो, बीकानेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। लवजीत जी आईएनसीएल की कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट टाइम हम आपके एरिया में भी मैच कराएं। तो लवजीत जी आईएनसीएल से कैंप से आप खुश हैं? हाँ जी सर। आपको रहने की और खाने की व्यवस्था कैसी लगी आईएनसीएल की? ओके सर, सब ठीक है। कोई हमारे से चूक हुई हो, कोई गलती हुई तो वो भी बताइए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, बड़ा टूर्नामेंट है और बहुत सारी टीम्स हैं और बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे और सब कुछ बहुत अच्छा है। थैंक यू लवजीत जी। हरनूर सिंह। हरनूर सिंह कहाँ से आए हो आप? जलंधर से। जलंधर से। तो हरनूर जी कैसा लग रहा है आपको एनसीएल में आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। आपके दो मैच हुए हैं, आपकी परफॉर्मेंस ठीक रही है? ठीक ही रही है सर। अभी आपका एक मैच बचा हुआ है, तो हम दुआ करेंगे कि आपके तीसरे मैच में परफॉर्मेंस अच्छी रहे। तो एनसीएल कैंप में आकर आपको क्या एक्सपीरियंस है, क्या मतलब आपने देखा है कि मैच में सुविधा कैसे मिल रही है, आपके साथ में टीममेट्स कैसे हैं और किस तरह का उनका एटीट्यूड है, बिहेवियर है आपके साथ, कुछ बताइए अपने कप्तान के बारे में।
सर कैप्टन और सभी टीम प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया गाइड करते हैं। अगर कोई चूक होती है तो वो अच्छा बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो। इसी की वजह से हम दोनों के दोनों मैच जीते हैं, जो वो सभी प्लेयर्स को गाइड करते रहते हैं। और जो सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं वो बहुत अच्छी हैं। ये तो मेरा फर्स्ट कैंप है दादर के साथ। ओके ओके ओके, थैंक यू अनूर। हल्के हाथों से खेला शॉट,
सौरभ के हाथ से बॉल छोटी और एक रन चुराया बैट्समैन ने। काफी तेज दौड़ते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट। और यहां पर फिर से डॉट बॉल, काफी छोटी बॉल थी लेकिन बॉल को हाइट नहीं मिली इसलिए डॉट बॉल। और यहां पर सौरभ ने विकेट चटकाया, जाल में फंसाया छोटी बॉल डालकर। और यहां पर फील्डर थे वंस, बैट्समैन वंस आउट होते हुए सौरभ ने बहुत अच्छी बॉल डाली। इसी तरह की फील्ड सजा रखी थी और फील्डर थे यहां पर प्रदीप। खूबसूरत यहां ड्रैगन्स की टीम परफॉर्म करती हुई। ग्यारह ओवर 57 रन, 7 विकेट यहां पर रोवर्स के गिर चुके हैं। समय सिंह, समय सिंह और यहां पर बोल्ड कर दिया है प्रदीप, इस टीम के सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी। और यहां पर अभिजोत को बोल्ड कर दिया प्रदीप ने। और यहां पर 10 मिनट बची है फील्डिंग टीम के पास अपने ओवर कंप्लीट करने के लिए। 50 मिनट हो चुके हैं आपके कंप्लीट और 50 सेकंड के अंदर अगर बैट्समैन अंदर नहीं आया तो अंपायर प्लीज आप आउट दे दीजिए। नए बल्लेबाज क्रीज पर आते हुए और प्रदीप चाहेंगे कि इनका भी विकेट चटकाएं। और बॉल यहां पर हवा में, कोई फील्डर उसके नीचे नहीं, फील्ड की जमावट। कप्तान ने थोड़ी ठीक नहीं की हुई थी वरना ये विकेट अवश्य। पर यहां पर एक शॉर्ट रन, यहां पर एक शॉर्ट रन दिया है टीम बोवर्स ने। और यहां पर काफी अच्छी गेंदबाजी होती हुई बॉलर प्रदीप के द्वारा। और एक बार फिर से डॉट बॉल
सीधी बॉल फील्डर के हाथों में। और यहां पर बैक फुट पे जाके ऑफ साइड की साइड ऑफ साइड के लिए शॉट खेला और एक रन फील्डर के हाथों से छुड़ा। और इसी के साथ 12 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन स्कोर है 7 विकेट के नुकसान पर टीम रोवर्स का। और मैं बताना चाहूंगा टीम ड्रैगन के पास 8 मिनट शेष है अपने 3 ओवर डालने के लिए। कप्तान इस चीज का ध्यान रखें और जल्दी अपने बॉलों को रेडी रखें। और यहां पर डॉट बॉल और यहां पर अमित है बॉलिंग पर जिन्होंने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट चटकाए थे टीम रोवर्स के। और यहां पर कोई फील्डर नहीं है मिड ऑफ पर और बॉल गई है रोक लिया फील्डर ने। 3 रन लिए यहां पर और यहां पर खूबसूरत शॉट खेला बैट्समैन ने एक रन आसानी के साथ लेंगे। बॉलर अमित चाहेंगे कि अपनी टीम को यहां सफलता दिलाएं और टीम रोवर्स को यहीं पर रोक दें। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि रुपेश 25 बॉल पर 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। 25 बॉल 20 रन रुपेश अपना विकेट रोके हुए हैं। और यहां 13 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन। और मैं बताना चाहूंगा फील्डिंग टीम को आपके पास 5 मिनट है और आपके पास 2 ओवर हैं।
और यहाँ पर कैलाश तो बॉलिंग पर और एक हाथ से कैच पकड़ लिया है फील्डर ने और यहाँ पर प्रदीप ने एक हाथ से कैच पकड़ा। सबसे जिम्मेदार प्लेयर है इनकी टीम के ड्रैगन्स के प्रदीप। और लास्ट विकेट है रोवर्स का। बैट्समैन जल्दी ग्राउंड के अंदर आए, अभी दूसरा मैच भी स्टार्ट होना है। और यहां पर डॉट बॉल बॉलर कैलाश, अच्छी बॉल डालते हुए कैलाश। और यहां पर एक रन चुराया बैट्समैन ने। और यहां पर कीपर से एक बार फिर चूक हुई, बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई। अमित ने बॉल को जल्दी पिक किया और थ्रो किया, काफी अच्छा थ्रो। और वाइट बॉल अंपायर का इशारा। और यहां पर लास्ट ओवर, चौदह ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन है टीम रोवर्स का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर। और लास्ट ओवर यहां पर ड्रैगन्स की टीम का। और यहां पर अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल, एक्स्ट्रा में रन लुटा रहे हैं ड्रैगन्स के प्लेयर्स। और यहां पर ये देखिए मिस फील्डिंग का नतीजा, यहां पर एक और एक्स्ट्रा रन आया। और यहां पर फिर से व्हाइट बॉल, एक्स्ट्रा रन देते हुए। मैं बताना चाहूंगा 1.5 मिनट बची हैं आपके पास आपको पूरा ओवर करने के लिए। और यहां विकेट कीपर से बहुत ज्यादा मिस फील्डिंग होती हुई, विकेट कीपर को अपनी बेसिक्स पर बहुत काम करना है।
यहाँ पर इनिंग की लास्ट तीन बॉल बची है। और यहाँ पर स्कोर हुआ और यहाँ पर आउट, पूरी इनिंग यहाँ पर समाप्त हुई रोवर्स की और स्कोर है 78। 78 रन बनाए हैं टीम रोवर्स ने, टीम ड्रैगन को 79 रन बनाने हैं और टीम ड्रैगन से रिक्वेस्ट है।